हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो ये सब नॉर्मल व्लॉग्स बनाए मुझे जमाना हो गया है। मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा नॉर्मल व्लॉग भी बना लेते हैं चैनल पे। जो लोग देख रहे हैं कम से कम कुछ कुछ जुड़े ही रहे मेरे साथ, है ना। बीच में एक्चुअली वही हो जा रहा था, थोड़ी हेल्थ इश्यूज मेरी, कभी युवान की, कुछ ना कुछ लगा ही रह रहा था। और मैं थोड़ा ये सब ड्राइंग क्राफ्ट व्राफ्ट में बहुत बिजी हो गई थी, सामान वामान मंगाए थे, लेकिन फिर रुक गया काम बीच में। देखिए मैंने एक ये टी लाइट होल्डर बनाए हैं, अभी ऐसे थोड़े बहुत बनाए हैं, थोड़े अभी चल रहा है काम। लेकिन फिर वो रूम का हमने थोड़ा सा घर में रेनोवेशन शुरू कर दिया था, तो उसी चक्कर में ना मुझे वो एलर्जी हो गई थी वो पेंट एंड डस्ट से, तो मैं बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। बट अब मैं ठीक हो गई हूँ। सो आज जो है, अब हमने युवान सिंह चले गए हैं स्कूल और अब मैं जा रही हूँ युवान का सब सामान सेट करने। इनफैक्ट सभी कुछ, मतलब पूरा घर का मेरा अभी सामान शिफ्टिंग करना पड़ेगा। ये भाई साहब का ये जो कबाट है यहाँ से निकल जाएगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, पूरा ब्लॉक कर रहा था। तो हम पहले सोचे थे इस दीवार पे ही कुछ कबाट वबट बनाएंगे ईवान के लिए, लेकिन अब वो सूर्यांक वाला रूम, सूर्यांक सिंह शिफ्ट हो गए हैं, तो हमने कहा चलो अब ईवान के लिए उसी रूम में हम बना देते हैं। तो बस वही था कि युवान का सामान और मेरा ये क्राफ्ट व्राफ्ट का मैंने पहले उस रूम में एडजस्ट किया था, बीच में पूरी धूल मिट्टी से वो भी सब सामान भर गया, तो बहुत काम है आज मुझे। और तीज भी आ रही है भाई, अभी तो तीज की भी शॉपिंग वॉपिंग करनी है मुझको, थोड़ा बहुत जो लेना है सिंगार का सामान वो सब भी लेने निकलना ही है आज। तो चलिए थोड़ा आज हमारे साथ नॉर्मल व्लॉग्स बना लेते हैं ना, चलिए लग जाते काम पे। पहले आरती बना रही है क्या पकौड़ा, अम्मा पकौड़ा और माता श्री आ गई हैं अपना पानी भरने। पानी खत्म हो जाता है, हम लोग पी पी के भर देते रख देते, मम्मी आती है याद दिलाती है पानी भरना है पानी भरना है। दो बात बोल के भर, हाँ चार बात, दो नहीं चार। और ये देखिए ये रूम था जो हमने अभी पूरा, इसमें थोड़ी सी सीलन टाइप्स हो गई थी तो करवा दिया, अब इसी को जा रहे हैं हम सेट करने। शशांक ने ऑलरेडी अपना लैपटॉप शैपटॉप इसमें डाल दिया है, तो ये सेक्शन तो उन्हीं का हो गया है, समझ लीजिए इसको हम छू नहीं सकते हैं। यहाँ हमारे थोड़े बहुत हमने प्लांट्स भी लगा दिए। देखिए मैंने बीच में ना अपने क्राफ्ट वाफ्ट का सब सामान जो मंगाया था फिलहाल इसमें रखा हुआ है, काफ़ी सारे मैंने एमडीएफ बोर्ड्स वगैरह मंगा लिए। देखिए बनाऊंगी कब मुझे नहीं मालूम, पर एक पिटारा तो इस कबट में रख दी थी मैं, जैसे जैसे जो जो आ रहा था। देखिए ये है कलर्स हैं इसमें, देखेंगे तो पूरा भर भर के टी लाइट होल्डर्स ही हैं जो मुझे बनाने हैं। अगर बिक गए तो बढ़िया ही है, पॉजिटिव सोच के ही बना रहे कि सब बिक जाए, अगर नहीं भी बिक गए तो फिर भाई अपने घर में सजाएंगे और क्या। अब शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना कहीं से, तो यही सब चीज़ें कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों में क्या आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और इसी टाइप से आप जैसे प्रमोट भी हो जाता है कि भाई हम बनाते हैं। तो मैं देख रही सोच रही हूँ कि दिवाली तक यहाँ बिल्डिंग में, जैसे नवरात्रि में स्टॉल्स लगते हैं हमारे यहाँ पे और कहीं कहीं पे, तो ये सोच के लगा रहे हैं कि भाई चलो दो तीन फ्रेंड्स मिलके अपना कुछ कर लेंगे, पर तब तक होना चाहिए ना। तो मैं तो अभी तक बिजी थी अपने आप में, ऊपर से रोहन की शादी की शॉपिंग वॉपिंग भी चल रही थी थोड़ी थोड़ी बहुत, अभी वो सब चीज़ें से फ्री हो गई, अब इन सब पे काम कर रहा हूँ, बिकॉज इसके लिए आपको प्रॉपर बैठना पड़ता है। तो देखिए अब ये सब जो पिटारा है यहाँ से उस रूम में शिफ्ट होगा, ये सब चीज़ें हटानी है वापस से मुझे और ईवान का, और जो मेरा थोड़ा बहुत सामान है सब यहाँ पे रखना है। ये पेंटर ने भी अपना कचरा सब यहीं रख के गए हैं, उसको भी हटाना है। काम से पहले भाई हमारी एनर्जी डोज, हमारी चाय है, चाय के साथ हम खा रहे हैं क्या मम्मी दिखाओ। ये देखिए रात की बची हुई जो रोटी होती है उसको एकदम कड़क कर दीजिए मस्त, एकदम नमक मिर्ची कितना सारा, ये मेरे लिए अकेले हाँ। ये सब मेरे युवान का उसमें से निकाल दी हूँ, अब जा रही हूँ, ये मैं हूँ 10 साल पहले की रचना मेरी फोटो। भाई ऊपर अभी खाली है और ये युवान के कपड़े इतने में ही आ गए, युवान के कपड़े नहीं है ज्यादा। ये दो झोला मेरे लिए एम्प्टी भी हो गया, सब इसके थर्मल ये सब छोटे हो गए, ये सब फिर मुझे नए खरीदने होंगे, 2 साल पहले का है भाई, ये सब आपको सब दे दे रही हूँ मैं। अब इसको जो है ना
रखने में मेरा आधा दिन गया था लास्ट टाइम, बट ये कि तब अरेंज करना था, काफ़ी कुछ अरेंज भी है, मुझे यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है, बस अभी हो जाए फिर मैं आज का मेरा डन हो जाएगा। देखिए मैंने इतने सारे टी लाइट होल्डर जिसमें मंगाए हुए हैं, अब कब बनेगा मुझे नहीं मालूम। ये भाई मैंने फाइनली अभी ये दोनों शिफ्ट नहीं किए हैं, ठीक ही है, ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं किया, ताकि मैंने यहाँ पे सब अपना एक क्राफ्ट एंड आर्ट का सब सामान एडजस्ट कर दिया। इसमें सब ये सारे MDF और वही सब है, और यहाँ पे मैंने अपना कलर्स का पिटारा रख दिया है। ऊपर अभी थोड़ी बहुत जगह भी है, इधर ये कटिंग ग्लू वगैरह है, सब काफ़ी सामान हो जाता है भैया। ये मैंने ना डिस्कार्ड नहीं किया क्योंकि ये मुझे एक अच्छा हो गया, तो ये बॉल जो है नीचे पड़े हुए हैं, फिर ऐसे ना जैसे मुझे सुखाना पड़ता है, जैसे मैंने इस पर जेसो लगा के ड्राई कर दिया है, और ये भी मैंने अभी वार्निश करके इसको ड्राई करने रखा है, तो यही सब चीज़ें हैं कि तो ये इसके लिए मुझे ये स्टैंड काम आ जाएगा। उसका कपड़ा निकाल दिया, ये इतना कुछ ख़राब भी नहीं लगता है, रूम में ओपन स्पेस ही लग रही है रूम का, वहाँ से तो हट गया चीज़ें। बस अब ये दोनों बैग्स भी मुझे एक्स्ट्रा मिल गए रोहन युवान के, इसमें से अब इसको हमको बनाना है, अपने कपड़ों से भरना है। सो भाई मेरा जो युवान का सामान और क्राफ्ट एंड आर्ट जो भी मुझे सब शिफ्ट करना था वो हो गया, लेकिन अभी वहाँ पे बहुत जगह है ना, लेकिन खाली नहीं रहेंगे क्योंकि मुझे मेरा वार्डरोब थोड़ा बहुत वहाँ शिफ्ट करना है, मम्मी में भी सामान है, यहाँ वहाँ बहुत सामान है, लेकिन अभी नहीं क्योंकि कल है तीज, उसके बाद गणेश चतुर्थी, तो मैं बहुत अभी बिज़ी रहूँगी 2-3 दिन, तो उसके बाद फुर्सत से करेंगे वो सब चीज़ें। हाँ जी, और आज जो है मुझे अभी जैसे मैंने बताया कल तीज है, तो तीज की जो पूजा की सामग्री और श्रृंगार का सामान सब लेना है, और हाथ में मेहंदी लगानी है। सो अब आगे तो मेरा वही रहेगा, फिर अगला जो व्लॉग रहेगा वो मेरा तीज और शायद गणेश चतुर्थी कॉम्बिनेशन में ही रहेगा, क्योंकि हम घर पे ही पूजा करते हैं, कुछ वैसे बड़ा सा तो कुछ होता नहीं है। तो बस फिर मैं निकल लेती हूँ मार्केट, फटाफट कर लेती हूँ क्योंकि युवान सिंह आए नहीं है, वैसे भी वो आ जाएगा, तो ठीक है मेरा काम हो गया है और मैं अभी निपटा लेती हूँ, क्योंकि मैंने शाम को बुलाया है सोनाली को। हाँ जी, मैं दियारा की जो नानी है, नानी क्या है ये है मैं बता देती हूँ, मैं सोनाली से मेहंदी लगवा रही हूँ, तो मैंने उसको शाम को बुलाया है, तो तब तक मैं फ्री हो जाऊँ ना वो सही रहता है, कबड़ बंद कर दूँ। और ये देखिए मेरा, ये मैंने एक मंडाला का भी पीस बनाया है, अब इसमें पीछे कलर करना है, वार्निश करना है, ये ड्राई भी हो गया वार्निश, अच्छा लग रहा है ना, चिक 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 चिक, बस अभी धीरे धीरे बनाएंगे। इसका भी मैं एक नया चैनल भी खोलूँगी बहुत जल्द, ये तो अभी मैं सब सीख रही हूँ थोड़ा सा, ये मंडाला का ये मेरा पहला पीस था, लेकिन ऐसे टी लाइट्स जो हैं मुझे बनाने हैं, ये भी मैंने एक बना दी है, और जल्द इसको अभी कलर वलर करेंगे। तो भाई मीट सोनाली जी जो आ गई हमको मेहंदी लगाने, और सोनाली क्या बोलेगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये ब्लॉग खत्म करने के लिए मैं इसी को बुलाई थी कि भाई तू आ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा, और मैं ब्लॉग खत्म करती हूँ, और जो मेहंदी की डिज़ाइन है वो मैं फोटो में लगा देती हूँ, टाइम नहीं है क्योंकि बहुत लंबा चलेगा अभी तो, और हम लोग नाइट सूट वाइट सूट पहन के बैठ गए, अब मेहंदी लगाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे।